बच्चों आज हमारा क्वेश्चन है फाइंड द फॉलन एंगल। हमें क्या बोला, फाइंड द फॉलन एंगल्स निकालने, वन अपॉन टू ऑफ रिवोल्यूशन, ऑफ अ रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन का मतलब कि पूरा एक चक्कर, अगर हमारे पूरा एक चक्कर मारते हम तो ये हमारा क्या होता है, रिवोल्यूशन होता। अब ये जो पूरा चक्कर होता है, पूरा गोल होता है, ये होता है 360 डिग्री का होता है। कितने होता है, 360 डिग्री का होता है भाई। इसका हाफ निकालना हमें, तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 360। ओके, अब देखो टू वन जै टू, वन यहाँ जा रहा है, 16 हो रहा है, टू ए जै 16 और ये जीरो, कितना हो जाएगा, वन अपॉन टू ऑफ रिवोल्यूशन कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का एंगल बनेगा। ओके, वन अपॉन फोर है रिवोल्यूशन, मैंने कहा एक रिवोल्यूशन में पूरा एक चक्कर, ये एंगल हमारा कितना होता है, 360 का होता है। तो हमारा वन अपॉन फोर ऑफ का मल्टीप्लाई 360। ओके, अब देखो 4 9 जै कितना होता है, 36 होता है और ये जीरो, तो हमारा एंगल कितने का बन रहा, 90 का बन रहा है। ठीक है, एक पूरा चक्कर 360 का होता है। अब 1/4 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। ओके, अब 3/4 अ रिवोल्यूशन, हमें मालूम है एक रिवोल्यूशन कितने का है भाई, 360 का है। तो 3/4 ऑफ 360, क्योंकि रिवोल्यूशन बोल रहा तो पूरा गोला बोल रहा, 4 9 36 और ये जीरो, तो क्या बच रहा, 3 × 90 कितना हो जाएगा, 9 3 27 और ये जीरो, 270 डिग्री। ओके, अब देखो 1/5 और रिवोल्यूशन भाई, 1/5 रिवोल्यूशन कितने है भाई, 360 का है। ओके, काट दो, 5 7 जै कितना होता है, 35, 1 यहाँ जा रहा, 5 2 जै 10 तो कितना हो जाएगा भाई, 72 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, 1/5 और रिवोल्यूशन कितना हो जाएगा, 72 डिग्री का। ओके, 1/8 ऑफ रिवोल्यूशन, 1/8 ऑफ रिवोल्यूशन 360। अब देखो 8 यहाँ 2 से कटेंगे, 4 हो जाएगा, यहाँ 18 हो रहा। ठीक है, फिर 2 से कट रहा, कितना आ रहा, 90 आ रहा, तो हमारा कितना बचा रहा, 91 जा 90 अपॉन 2। ओके, इससे काटेंगे तो 45 हो जाएगा ये, तो हमारा कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। ओके,